हमारी दोस्तों राम राम। मैं सचिन नगरवत आज आपको लेके आया हूँ अपने शहर भरतपुर में और सोन पपड़ी के गोदाम में। तो भाई अगर आपको भी सोन पपड़ी चाहिए या कोई भी मिठाई चाहिए इकट्ठे में कुंटल में तो आप आ सकते हैं यहाँ ऑर्डर देके बनवा सकते हैं। तो मैं लेके आया हूँ आपको हवेली मिस्टर वंडर पर जिसका एड्रेस है आशीर्वाद म्यूजियम के पीछे गोपालगढ़ में। भाई की जो सोन पपड़ी है वो दो प्रकार की, एक देसी घी वाली एक नॉर्मल वाली। तो देसी घी का चार्ज है 480, नॉर्मल वाली का 180 रुपये किलो। अगर कभी आपको भी चाहिए किलो में कुंटल में या ऑर्डर देके आप यहाँ बनवा सकते हैं और आ सकते हैं। और मैं अभी आपको लेके आया हूँ स्पेशली इनकी सोन पपड़ी की मेकिंग दिखाने। तो भैया ये क्या चीज़ है? बेसन। अच्छा बेसन मिक्स किया है। तो भाई ये देखिए बेसन है और इसको क्या है बेसन को मतलब मिला लेते हैं और मिलाने के बाद अब ये चाशनी में जाता है। तो मैं आपको बता दूँ ये बनने के भाई इनकी चाशनी और यहाँ से चाशनी। भैया कितनी ये चीनी की चाशनी है अपने यहाँ? अच्छा कितनी चीनी होगी समथिंग इसमें? 3.5 किलो। अच्छा भाई ये 3.5 किलो चीनी है और उसमें चाशनी बना रही है। अपनी जो चाशनी थी वो तैयार हो गई है बनके और अब आएगी इस कढ़ाई में। ये बड़ी वाली कढ़ाई है और यहाँ पे ऐसे होगी ठंडी। ये देखिए भाई अपनी जो चाशनी तैयार हो गई और अब आएगी इसमें ठंडी होने के लिए। तो ये आ गई है भाई। क्या बात है यार, क्या गवा रहे हैं भैया यार। ये देखिए अब इसमें ठंडी होगी भाई। ठंडी हो गई हमारी चाशनी, ठंडी हो गई हमारी चाशनी। और इसको फोल्ड करके ऐसे ऊपर निकाला जाएगा इसको। यहाँ से अपनी और ठंडी होगी हमें, अभी और ठंडी होगी इसको भाई। वहाँ से उस कढ़ाई में से इस कढ़ाई में ठंडी की गई थी और यहाँ से अब और ठंडी होगी। और यहाँ से जाने के बाद उसमें अपना जो बेसन है उसमें मिलाई जाएगी और वहाँ से अपनी सोन पपड़ी का प्रोसेस चालू होता है। यहाँ से देखिए आप। और भैया कैसे हो? बढ़िया भाई। मेहनत वगैरह लग रही है क्या? मेहनत तो लगती है भाई इसमें, काफ़ी मेहनत लगती है। ये देखिए भाई ये सोन पपड़ी के लिए। अच्छा इसे इसे के बिना मतलब चाशनी बनेगी नहीं? नहीं। और यहाँ ये वहाँ से आती है और वहाँ से आने के बाद इस कढ़ाई में आती है और इस कढ़ाई में से आने के बाद ये भैया जो लग रहे हैं यहाँ पर तैयार की जाती है। ये देखिए भाई बहुत बहुत कठिनाई का काम है। आप देख रहे होंगे भैया किस प्रकार से लग रहे हैं। और मुझे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि यार चाशनी को खींचना और ऐसे करने में भैया मेहनत काफ़ी लग जाती है ना। तो ये कब तक करते रहते हो आप? ठंडा करना पड़ता है इसको। अच्छा ठंडा करना पड़ता है। ये भाई अभी क्या है चाशनी उस कढ़ाई में से आई है कैमरा को। तो वहाँ से आने के बाद इस कढ़ाई में आती है और यहाँ पे क्या है ठंडी की जाती है और ठंडी करने के बाद फिर ये यहाँ पे आती है। इसे क्या खींचते हैं, खींचते इसलिए ताकि उसके तार वगैरह है वो बन जाए और वहाँ से जाएगी अपने इसमें। ये देखिए भाई ये आ गई और ये अपना बेसन का एक तरीके से क्या कहेंगे इसे फैन कह लो कुछ भी कह लो। वैसे क्या कहते हैं इसको बेसन का? कोरो। कोरो बेसन का कोरो कहते हैं, नाम ही अलग है। साठा बोल देते हैं। साठा है क्या बात है। और ये देखिए भाई अब तैयार की जा रही है अपनी सोन पपड़ी। तो इसे कितनी देर तक करते रहेंगे? 5 मिनट तक। और ये देखिए भाई 5 मिनट तक ऐसे करने के बाद अपनी जो सोन पपड़ी है तैयार की जाती है। और ये भाई देखिए अभी इसमें काफ़ी बेसन का घोल सा था वो मिल रहा था और आप देख रहे होंगे बिल्कुल इन्होंने मिक्स कर दिया है, बिल्कुल मिला दिया है और थोड़ी देर बाद ये तैयार हो जाएगा अपना। भैया लगे हुए हैं अपने कम कर रहे। अच्छा इसके नीचे भी बत्ती जल रही है क्या? अरे क्या बात है भाई, इसके नीचे भी बत्ती जल रही है। इसमें क्या है भी मिला रहे हैं भैया जो आपके हाथ में जो लग रही है ये डंडी से इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गिल्ली। गिल्ली
गिल्ली गिल्ली डंडा वाली ये देखिए भाई, और कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है मेरे को देखते देखते, और 10 मिनट में इसको मतलब तैयार किया जाता है, आप देख रहे होंगे और किस प्रकार से आप तैयार की जा रही है स्टॉल कपड़े आप देख रहे होंगे। तो भाई अपनी जो सोन पपड़ी जो थी वो तैयार होकर आ गई है यहाँ पर पराग पे, तो बेलन के द्वारा इसे मतलब गोल किया जा रहा है, और यहाँ से करने के बाद ये क्या काटी जाएगी, कटने के लिए जाएगी है भैया, तो एक बार भाव और बता दो, भाव क्या चल रहा है सोन पपड़ी का? 140 रुपए किलो भाई, 140 है, तो ये तो है अपनी वैसी नॉर्मल, और जो देसी घी वाली है वो है 480 रुपये किलो। एड्रेस मैंने बता दिया है वीडियो में शुरुआत में, एक बार और बता देता हूँ दोबारा से, आशीर्वाद मेरिजम के पीछे, और किसी से भी पूछ सकते हो आप सोन पपड़ी का गोदाम कहाँ पर है, और गोपालगढ़ में हवेली मिस्टर वंडर के नाम से इनकी दुकान है। ये देखिए आप लाई जा रही है बिल्कुल, एक गोल कर देंगे इसे, गोल करने के बाद फिर क्या है यहाँ पर कटिंग की जाती है, और इसके बाद वहाँ पर जाती है, वहाँ पर जाकर पीस बन जाते हैं बिल्कुल सोन पपड़ी के, फिर एक ट्रे में जमाई जाती है। ये देखिए कटिंग की जा रही है, तो भाई अब इनकी जो कटिंग की जा रही है सोन पपड़ी के पीसों की। हाँ भैया कटिंग चल रही है? हाँ जी कटिंग चल रही है, दिखाइए कटिंग करते हुए। ये देखिए भाई पीस बाकायदा काटे जा रहे हैं, और इसके बाद कटिंग के बाद क्या डाला जाएगा इसमें? पिस्ता। भाई अब लगाए जाएंगे जो बर्फी के पीस काटे थे उनके ऊपर बिछाए जाएंगे पिस्ते, अब लगाइए पिस्ते। ये देखिए भाई, और ये अपनी जो सोन पपड़ी है बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों चलते हैं फिर से एक और नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको लेके आऊँगा ऐसी कुछ मेकिंग की वीडियो लेके आऊँगा, और यहाँ पर स्ट्रे में, और यहाँ से जाती है भाई इनके काउंटर पर, काउंटर इनका बाहर है, काउंटर भी दिखाई दूँ, पहुँच जाएगी अपनी काउंटर पर, जहाँ पर काउंटर है काउंटर को मैं दिखा दूँगा आपको, काउंटर इनका बाहर है। कभी अगर आप भी भरतपुर के हो या भरतपुर में रहते हो या बाहर से आते हो, अगर आपको भी इकट्ठी सोन पपड़ी चाहिए किलो में क्विंटल में, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डर कारीगरों के द्वारा बनाई जाती है, ऑर्डर करके आप भी बनवा सकते हैं।